শিলিগুড়ির চেকপোস্টে দুটি দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। গতকাল রাতে প্রথমে একটি সবজির দোকানে আগুন লাগে, এরপরই আগুন পাশের একটি দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পরে খবর দেওয়া হয় দমকল ও ভক্তিনগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে বেশ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও দুটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো তা এখনো স্পষ্ট নয়। ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ। पुलिस स्टेशन से कि एक रेकपोस्ट के सामने यहाँ पे दुकान में आग लग गया, तो हम लोग को कॉल किया। हम लोग तुरंत कॉल पाने के साथ साथ तुरंत हम लोग निकल गए। हम लोग देखे कि यहाँ पे दो तीन तो दुकान था, उसका अंदर से बहुत ज़्यादा आग जल रहा था, तो हम लोग आके उसको शटर उठा के हम लोग पानी। हाँ, एक तो फ्रूट्स का दुकान था, यहाँ पे फ्रूट्स का दुकान था, वेजिटेबल भी था वहाँ पे, और बगल में यहाँ पे वो पनीर लोची फ्रिज, यहाँ पे दो दुकान था, और पीछे में भी एक वहाँ पे स्टोर रूम था। अच्छा। वहाँ पे थोड़ा पुराना सामान था, उसके अंदर भी आग लगा था। तो नहीं, वो तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लगभग डेढ़ एक 1:40 को हम लोग कॉल आया, डेढ़ बजे टाइम लग गया। हम लोग थोड़ा जल्दी, आधा घंटे के अंदर अंदर पूरा कंट्रोल हो गया। दो फायर इंजन आया है, एक सालूगाड़ा का डबग्राम फायर स्टेशन से, एक सिलीगुड़ी से, दो फायर इंजन काम किया तो कम्प्लीट हो गया। বুধবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এদিন মেয়র গৌতম দেব বলেন, শর্ট সার্কিট হয়েছে, কথা বলে গেলাম, দেখে গেলাম। এমনি এই জায়গাটা পুরো তো এনএচএআই এর জন্য সরে যাবে, কিন্তু ওরা জিনিসপত্রগুলো সরানোর টাইম পেল না, এটাই একটা লস হলো। বেশি তো এরা পয়সাওয়ালা না, এদের প্রতি সমবেদনা থাকছে। পরে আমরা দেখব কোনো জায়গাতে এদেরকে রিহ্যাব করা যায় কিনা, এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে আমাদের। ये घटना हुआ था रात को करीब 12 बजे करीब। उन लोग को ये बगल वाला सर फोन करके बुलाए, बगल के आसपास के जो दुकानदार है वो बोल रहे भैया ऐसा ऐसा बात है, जल्दी आइए। तो हम लोग आए जल्दी जल्दी, शटर को दोनों खोले खोल के, और ये क्या हुआ, फायर ब्रिगेड वालों को हेल्प किए, हेल्प किए सब जाकर अंदर। क्षति तो हुआ है, क्षति कम से कम, माल भी आया था, नया नया माल सब आया था, कम 1.5-2 लाख का माल था, इसमें फल फल सब्जी था।